हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे चेंज द वॉइस पार्ट फोर्थ। इसमें हम कमांड टाइप ऑफ सेंटेंस देखेंगे। यहाँ पर जो रूल नंबर 11 में हम देख रहे हैं सेंटेंस, जहाँ से ये जो वाक्य है चेंज द वॉइस के, ये वर्ब से स्टार्ट होता है। तो सपोज ये सेंटेंस है ओपन द डोर, तो यहाँ पे ओपन जो है वर्ब है। जब वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है चेंज द वॉइस में, तो उसका रूल अलग होता है। वहाँ पर हम लेट का प्रयोग करते हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो हम देखेंगे ये वाक्य में किस तरह से हम इसका प्रयोग करेंगे। अगर हमारा सेंटेंस है ओपन द डोर, तो यहाँ पे ओपन जो है वर्ब है, इसीलिए ये हो जाएगा हमारा ऐसा चेंज द वॉइस जो वर्ब से स्टार्ट होता है। ओके, यहाँ पर हम लोग इसे कमांड टाइप ऑफ सेंटेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तरह की आज्ञा दी हुई है। तो ओपन द डोर, यहाँ पे ओपन हमारा वर्ब हो गया, द डोर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो सेंटेंस के स्टार्ट में हमें फिर लिखना है लेट, तो हमने लेट लिखा। फिर हमें लेना है ऑब्जेक्ट, तो इस वाक्य में हमारा ऑब्जेक्ट है द डोर, तो हमने लिखा है द डोर। उसके बाद में हमें लेना है बी, तो ये हो गया बी, यहाँ पर हमने बी लिया। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो यहाँ पे हमारा वर्ब है ओपन, तो इसका तीसरा रूप होगा ओपन। और फिर है आरपी, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। पर इस वाक्य में ओपन द डोर वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद में और कुछ नहीं लिखा है, कोई पार्ट ऑफ द सेंटेंस नहीं है, इसीलिए ये वाक्य यहीं पर पूर्ण होता है। तो सेंटेंस हुआ लेट द डोर बी ओपन। और एक सेंटेंस देखेंगे रूल नंबर 12 में। जैसे सेंटेंस दिया है गिव मी अ चांस टू क्रैक द एंट्रेंस एग्जाम। यहाँ पे गिव जो है ये वर्ब है, तो हमारा ये हो गया ऐसा चेंज द वॉइस जो वर्ब से स्टार्ट होता है। तो गिव हमारा वर्ब हो गया, ये मी आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है, अ चांस आपका ऑब्जेक्ट, और ये टू क्रैक द एंट्रेंस एग्जाम आपका पूरा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस है। यहाँ पे हमारा आ गया, सबसे पहले हम लिखेंगे लेट, और उसके बाद में हमें लेना है लेट के बाद में हम क्या लेते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर क्या है, अ चांस, तो हमने लिया है अ चांस। उसके बाद में हमें क्या लेना है बी, तो बी जो है हमने यहाँ पर बी लिया है। और फिर हम लेते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म हमारा क्या है यहाँ पर गिव का गिवन। और अभी क्या है, क्या बचा है हमारा मी, तो मी हम यहाँ लेंगे, लेट अ चांस बी गिवन, मी हमने यहाँ लिया। और फिर जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस है ये हम लिखेंगे टू क्रैक द एंट्रेंस एग्जाम, टू क्रैक द एंट्रेंस एग्जाम। तो सेंटेंस हमारा इस प्रकार हुआ लेट, फिर ऑब्जेक्ट लिया गया अ चांस बी, फिर ए गिवन मी टू क्रैक द एंट्रेंस, टू क्रैक द एंट्रेंस एग्जाम। तो इस तरह से हमने ये कमांड वाले सेंटेंस देखे हैं। इसके पहले भी हमने प्रेजेंट में किस तरह से चेंज द वॉइस कन्वर्ट करते हैं, पास्ट में, फ्यूचर में, मॉडल ऑक्सिलरी में, और ये कमांड, इस तरह के हमने चेंज द वॉइस के टाइप्स देखे हैं। और इस तरह से हमारा चेंज द वॉइस जो टॉपिक है कंप्लीट होता है। थैंक यू।